लहरा दो तिरंगा, लहरा दो तिरंगा, लहरा दो तिरंगा, लहरा दो तिरंगा। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लालजी द्वारा मंगलवार को भुवनेश्वर स्थित राजभवन में राष्ट्र कवि रमेश शर्मा का म्यूजिक एल्बम लहरा दो तिरंगा का विमोचन किया गया। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल गणेशी लालजी ने राष्ट्र कवि रमेश शर्मा के इस गीत पर अपने विचार प्रकट करते हुए स्पष्ट किया कि तिरंगे के बारे में मैंने जैसे सोचा था कवि रमेश ने ठीक वैसा गीत लिखा है जो देश की आने वाली पीढ़ी को देशभक्ति के लिए सदा प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि कवि रमेश ने इस गीत के माध्यम से देशवासियों को प्रेम और मानवता का संदेश दिया है। कवि रमेश शर्मा जी ने राज्यपाल गणेशी लाल जी की तारीफ करते हुए कहा कि जब से गणेश लाल जी ओडिशा में राज्यपाल बने हैं तब से वे ओडिशा की धरती पर हिंदी को बढ़ावा देकर हिंदी साहित्यकारों के मनोबल को ऊंचा कर रहे हैं, इसका मैं ज्वलंत उदाहरण हूं। शर्मा जी, हम आपसे दो सवाल पूछेंगे, स्पष्ट रूप से बताएंगे कि आपने जो तिरंगा लिखा वो 1000 पन्नों का लिखा आपने, वो तो हम जानते हैं, लेकिन इतना 1000 पन्ने का लिखने का हिम्मत आपको कहां से आई? 1000 पन्नों का लिखने का हिम्मत, जहां तक कविताएं लिखने का है, गीत लिखने की ये बात है, मेरे को ये हिम्मत मेरी मातृभूमि ने मुझे ऊर्जा प्रदान करी। और मैंने कविता लिखने का पहला विषय वस्तु माँ माटी और मातृभूमि को ही चुना। मात्र माँ माटी मातृभूमि के जरिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे पर कविताएं लिखी, गजलें लिखी, नज्में लिखी। मैं चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो प्रेम और शांति का प्रतीक है, इसके माध्यम से पूरी दुनिया को मैं एक मानवता, सेवा भाव और प्रेम का एक संदेश दूं। इसके लिए मैंने इस किताब की रचना की और इसे लिखने में मुझे 14 साल लगे। अगर कोई पूछेगा तिरंगा क्या है तो क्या दो लाइन में क्या बताएंगे आप? दो लाइन में ये बताऊंगा, प्रेम और शांति का प्रतीक है। और प्रेम और राष्ट्रीय ध्वज किसी भी मुल्क का हो, वो गौरव प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। और इसके माध्यम से हम हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। अच्छा, और एक बात बताएं, केथी टीवी के दर्शक जो देखेंगे आपको, वो देख रहे हैं आपको, उनके लिए कोई संदेश है आपका? उनके लिए यही संदेश है कि राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है, 15 अगस्त यानी स्वाधीनता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर अपने घर पर तिरंगा को फहराए और देशभक्ति का परिचय दे। बताना लाजमी है कि कवि श्री रमेश शर्मा इससे पूर्व राजभवन में राज्यपाल समक्ष देशभक्ति की कविताएं और गीत पढ़ चुके हैं। उक्त कार्यक्रम में राज्यपाल के निजी सचिव आईजे खुराना, माधो प्रसाद साहू, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, अजय शर्मा, विकास रंजन बेहरा के अलावा राजभवन के अधिकारीगण मौजूद थे। केथरी टीवी रमेश शर्मा जी का उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ब्यूरो रिपोर्ट के 3 टीवी ओडिशा। लहरा दो तिरंगा, लहरा दो तिरंगा, लहरा दो तिरंगा, लहरा दो तिरंगा।